नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हमारा बिहार। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। जी हाँ, वही मुजफ्फरपुर जो अभी तक ग्रीन जोन में शामिल था, वो अब रेड जोन में शामिल होने वाला है। दरअसल मुजफ्फरपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे अब उत्तर बिहार में संक्रमितों की संख्या लगभग 73 पहुँच चुकी है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर के मुसहरी में शनिवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं एक चंदवारा का बताया जा रहा है, वहीं 2 मरीज किसी क्वारंटाइन सेंटर के बताए जा रहे हैं। तीनों युवकों की उम्र क्रमशः 14, 22 और 31 वर्ष बताई जा रही है। इस तरह उत्तर बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 73 हो चुकी है। इसमें 2 की इलाज के दौरान पटना में मौत हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर के अलावा शनिवार को अरवल जिले में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी उत्तर बिहार के 3 जिलों में कोरोना के 11 मरीज मिले थे, जिसमें समस्तीपुर के 6, दरभंगा के 4 और पूर्वी चंपारण में 1 मरीज मिला था। समस्तीपुर में और दरभंगा में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव हावड़ा से निजी गाड़ी से मंगलवार को आए थे। दरभंगा का एक अन्य पॉजिटिव महिला उस युवक का रिश्तेदार है, जो 22 मार्च को दिल्ली से आने के बाद पॉजिटिव पाया गया था। वहीं अगर पूर्वी चंपारण की बात करें तो बच्ची की मां पहले से ही कोरोना पॉजिटिव थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला को अगर जोड़ दें तो अब 38 में से कुल 37 जिले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अगर पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में लगभग 600 का आंकड़ा पहुंचने से कुछ अंक ही दूर रह गया है। इस प्रकार बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है।